सो बेसिकली हम HTML फॉर्म्स की बात कर रहे हैं. जब HTML फॉर्म्स वहां पे आते हैं तो हमें क्या देखना है कि फॉर्म्स क्रिएट कैसे होते हैं. जैसा कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर कुछ इनपुट जाएगी एंड देन वो इनपुट जाके जिस भी वेबसाइट के ऊपर हमने वो इनपुट डाली है वहां पे जाके डेटा सेव हो जाएगा, राइट. तो अब हम ये देखते हैं कि HTML फॉर्म्स के अंदर इनपुट कैसे डालनी है. सबसे पहले ये देख लेते हैं क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, कि हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे. तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जो रीडर्स को अलाउ करता है टू एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट. तो टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं कि नॉर्मली नेम, एड्रेस और कोई भी इनपुट इंफॉर्मेशन जो आप यूज करना चाहते हो, जो वो वेबसाइट यूज करेगी, वो डालने के लिए यूज होते हैं, ठीक है. अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट इज HTML. ये एक मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया HTML. HTML को हम ऐसे लिखते हैं, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है. इसके अंदर ध्यान से देखिए जो मैंने डाला है, पहले तो मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है. जो मेथड इक्वल टू पोस्ट है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो भी हम डाटा इस पे सेव करेंगे वो जाके उस वेबसाइट पे सेव हो जाएगा. और डाटा डालेंगे किसमें, इनपुट टाइप में. इनपुट टाइप के अंदर हमारा डाटा का इनपुट जाता है, ठीक है. तो अभी मैंने डाला इनपुट टाइप, इसको ध्यान से देखिए. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इट मींस मैं इसके अंदर एक टेक्स्टुअल इंफॉर्मेशन सेव करने वाली हूँ. तो जब भी आपने फॉर्म के ऊपर डेटा किसी दूसरी वेबसाइट पर सेव करना है तो उस फॉर्म के अंदर हमेशा मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखा होगा, विच मीन्स हम अपना डेटा पोस्ट करने वाले हैं. और एक्शन के अंदर abc@gmail.com इज एन एग्जाम्पल. मैं केवल ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कोई URL होगा जहां पे जाके ये डेटा सेव हो जाएगा. इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब आप कुछ भी इनपुट करना चाह रहे हो, जो इनपुट आप डालोगे वो एक टेक्स्ट बॉक्स में जाएगी, ठीक है. इसका नेम है यूजर नेम, साइज 30, मैक्स लेंथ 20. ये हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं. ये जो HTML पेज है इसको हमने form.html के नेम से सेव कर देना है, ठीक है. जब हम सेव करेंगे उसके बाद ये फॉर्म कैसे नजर आएगा ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ. So this is how the HTML page look likes. जैसे हमने पहले डाला था प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एंटर योर नेम. और ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है. इसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो. जैसे मैंने इस पे डाल दिया कंप्यूटर साइंस, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे जो डाल रही हूँ, ठीक है. ये इन्फॉर्मेशन जाके दूसरी वेबसाइट पे जाके सेव हो जाएगी जो मैंने डाला कंप्यूटर साइंस, ठीक है. इसी तरह से हमने बहुत सारे इनपुट डाल के आगे अपना जो है पूरे का पूरा फॉर्म बनाना होता है. जैसे देखिए मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ HTML फॉर्म. ओके वन सेकेंड, ये जो है HTML फॉर्म्स है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे इनपुट बॉक्स डाले, इनपुट टाइप एड्रेस, इनपुट टाइप नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है. सबका इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है. लास्ट में जो मैंने क्रेडिट कार्ड नंबर लिया है ना, केवल इसका इनपुट टाइप जो है दैट इज पासवर्ड, ठीक है. इसका इनपुट टाइप है पासवर्ड. अब इनपुट टाइप पासवर्ड का मतलब क्या होता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो एक पासवर्ड होगी, ठीक है. तो क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पेज पे नजर नहीं आएगी, ताकि अगर पेज के पीछे कोई खड़ा हो आगे पीछे तो वो पासवर्ड वो देख नहीं पाएगा. क्योंकि अगर टेक्स्टुअल फॉर्म में आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस डाला, तो वो नजर आ रहा है साफ साफ, बट पासवर्ड के अंदर नजर नहीं आएगा. इसके लिए उसका इनपुट टाइप जो होता है वो हमेशा पासवर्ड रखा होता है. अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को चलाएंगे. आई विल जस्ट शो यू हाउ टू मेक दिस प्रोग्राम रन. पहले आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, ठीक है. ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन इनपुट टाइप पासवर्ड एंड देन उसके पहले मैंने इनपुट टाइप में डाला है एड्रेस, सिटी, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर.
तो आपको ये सारी चीजें वहां पे डालनी है, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें डाल लोगे तब आपने क्या करना है कि ये सारी चीजें डालने के बाद आपने उस फॉर्म को सेव कर देना है। फॉर्म को सेव करने के बाद आपने उसको .htm या html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। उसके बाद आपने उसको ब्राउजर के साथ खोलना है। जब आप उसी फॉर्म को ब्राउजर के साथ खोलोगे तो आपको आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली थी वो आपको नजर आएगी। कैसे नजर आएगी वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। मैंने ये सारे का सारा डेटा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो सारे का सारा एक टेक्स्ट नोटपैड में डाला, उसमें डाल के उस टेक्स्ट नोटपैड को सेव कर दिया, ठीक है। जब मैंने उस टेक्स्ट नोटपैड को सेव कर दिया तो उसके बाद वो जो डेटा है ना वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। दिस डेटा इज लाइक दिस, यू आर एबल टू सी दिस ऑन योर स्क्रीन। एंटर योर नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर एंड क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है। इसके अंदर मैं जब क्रेडिट कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन डालने जा रही हूँ, ठीक है, ये पासवर्ड के रूप में सेव होनी चाहिए और पासवर्ड के रूप में सेव होगी देन वो वेबसाइट के पास जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो टेक्सचुअल फॉर्म में सेव हो रही है, बट इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कि ये डॉट डॉट नजर आए और ये जो टेक्स्ट है उस फॉर्म में नजर ना आए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए। सारे HTML जो फॉर्म्स हैं उनको टेक्स्ट पे नोट करिए एंड देन उसके बाद फिर देखिए ब्राउजर में वो चलते हैं या नहीं, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए।